हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर से आपका हमारे YouTube चैनल SPL हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का इस वीडियो का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि डेंगू बुखार को 3 दिन में कैसे ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, मैं उसी के अनुरूप इस वीडियो को बनाया और आज इस वीडियो के द्वारा हम आप सभी को बताएंगे कि डेंगू बुखार को 3 दिन में कैसे ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और दोस्तों अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम जो हमारा SPL हेल्थ यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, चलिए वो नुस्खा बताते हैं जो आप अपने घर पर बिना पैसा लगाए तैयार करें और डेंगू बुखार को 3 दिन में ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चलिए वो सीक्रेट। दोस्तों डेंगू का बुखार कब और कैसे होता है? डेंगू का बुखार जुलाई महीने से लेकर और अक्टूबर महीने के बीच में होता है। जी हाँ दोस्तों, यह डेंगू बुखार ज़्यादातर गंदगी जगह से, जैसे नाली, मकानों के आसपास पानी भरा होना, मच्छर पैदा होना, इन चीज़ों से डेंगू बुखार ज़्यादातर लोगों को परेशान करता है। दोस्तों इनसे निजात पाने के लिए सबसे पहले आप अपने घरों के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें और मच्छरों को घर में ना रहने दें। जी हाँ दोस्तों, इसी के द्वारा, किसी ना किसी मच्छर के द्वारा काटने से डेंगू का बुखार हो जाता है। यह बहुत ही भयानक बुखार आता है दोस्तों, इसमें रोगी की जान भी जा सकती है। अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो दोस्तों जान बचाना मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों, वो सीक्रेट, वो नुस्खा आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा शेयर करेंगे और अपने घर पर अपनाएं। दोस्तों वो नुस्खा बताते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले लेना है दोस्तों पपीते का पत्ते का अर्क। अगर नहीं पपीता जानते हो तो हमारा यह इमेज देख लीजिए जो इस तरफ आएगा। और दोस्तों इस पपीते के पत्ते का अर्क लेना है और दोस्तों बकरी का दूध लेना है। पपीते का पत्ते का अर्क और बकरी का दूध 100 ग्राम दोस्तों आपस में मिश्रण करके सुबह शाम 2 टाइम पीना है। और दोस्तों परहेज उन चीज़ों का है, ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का परहेज करें दोस्तों, और ज़्यादा कोई परहेज नहीं है दोस्तों। और कुछ दिनों तक मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हरी साग सब्जी खाइए, जिससे आपका डेंगू का बुखार नॉर्मल होके जल्दी ठीक हो जाए। दोस्तों अगर हमारी यह जानकारी आप सभी को पसंद लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।